अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िया मेड कोर्स। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है डुफास्टोन। डुफास्टोन 10 मिलीग्राम की प्रेजेंस में अवेलेबल है और ये एबिट लेबोरेटरीज की एक प्रोडक्ट है। अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो वह डाइड्रोजेस्टेरोन। डाइड्रोजेस्टेरोन जो कि एक सिंथेटिक प्रेगनेंट स्टीरॉयड है और डेरिवेटिव है फीमेल नेचुरल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का, और ट्रीट करता है फीमेल गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन, इनफर्टिलिटी और प्रिवेंशन ऑफ मिसकैरेजेस को। अब इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम प्रोजेस्टेरोन की केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, थ्रू आउट द मंथ फीमेल की ओवरी से रिलीज आउट होता है, जो कि मेंटेन और रेगुलेट करता है फीमेल्स के मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड को और स्टेबलाइज करवाता है प्रेगनेंसी को। अब प्रोजेस्टेरोन के प्रेगनेंसी में रोल को अंडरस्टैंड करते हैं, तो एक नॉर्मल फीमेल को फर्टिलिटी के लिए प्रोजेस्टेरोन की जरूरत होती है, क्योंकि पहले 14 दिन एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है और प्रोजेस्टेरोन का कम होता है। लेकिन जैसे ही ओवुलेशन होती है यानी एग रिलीज होता है, तो इसके साथ ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी बढ़ने लग जाता है, क्योंकि ओवरी प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने लग जाती है। और आखिरी 14 दिनों में प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है और एस्ट्रोजन का कम होता है। लेकिन अगर रिलीज अग स्पर्म से फर्टिलाइज ना हो और फर्टिलाइजेशन ना हो, तो इसके साथ ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल नीचे आने लग जाता है और एक नॉर्मल फीमेल को पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। अब ये तो है नॉर्मल फिजियोलॉजी, मगर प्रोजेस्टेरोन का एक और रोल भी है, जिसमें इसे एज अ बर्थ कंट्रोल पिल और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के तौर पे यूज किया जाता है, जिसमें ये प्रेगनेंसी को लॉस कराने और प्रेगनेंसी के चांसेस को कम करता है। तो अगर आप इसे फर्टिलाइजेशन से पहले यूज करती हैं, तो ये यूट्रस की जो लाइनिंग एंडोमेट्रियम है उसकी शेप को चेंज और एल्टर कर देता है, जिससे स्पर्म एग तक अप्रोच नहीं कर पाता और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती। इसके साथ ही जो सर्विकल म्यूकस रिलीज हो रहा होता है उसकी थिकनेस को भी मजीद थिक कर देता है, जिससे स्पर्म स्विम नहीं कर पाता और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती। अब इसके यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो अगर किसी फीमेल को कोई भी गायनेकोलॉजिकल या मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर हो जो कि लैक ऑफ हार्मोन की वजह से हो, जैसे कि अगर उसे प्राइमरी या सेकेंडरी एमेन्यूरिया हो जिसमें फीमेल को उसकी रिप्रोडक्टिव एज में पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। या अगर किसी फीमेल को डिसफंक्शनल यूट्रिन ब्लीडिंग हो या यूट्रिन डिसऑर्डर जैसे कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, एंडोमेट्रियोसिस या यूट्रिन हाइपोप्लेसिया हो, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। और इसके साथ ही इसे डिसमेनोरिया, जिसमें फीमेल्स को हैवी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स और पेनफुल पीरियड्स आते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही अगर कोई फीमेल इनफर्टाइल हो और प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पा रही हो, उसमें भी इसे यूज किया जाता है। इसके साथ ही अगर किसी फीमेल को इररेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड हो, जो कि एक्चुअली में हार्मोनल इम्बैलेंस से होते हैं, जिसमें होता ही है कि एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन का कम हो जाता है, तो उसमें भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। और नोट ये कर लें कि अगर आपके पीरियड 21 to 35 डेज तक के हैं, तो इनको नॉर्मल काउंट किया जाएगा। इसके साथ ही इसे हार्मोनल थेरेपी में उन फीमेल्स को जिनको मेनोपॉज आ गया और उनके पीरियड्स आना बंद हो गए हों, उनमें एज अ हार्मोनल थेरेपी भी यूज किया जाता है, और इसे ट्रांसजेंडर हार्मोनल थेरेपी में भी यूज किया जाता है। इसके साथ ही इसे एज अ बर्थ कंट्रोल पिल या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में भी यूज किया जाता है, जिसमें ये एंटी गोनेडोट्रॉपिक इफेक्ट्स को शो करते हैं और इनहिबिट करते हैं ओवुलेशन को और सर्विकल म्यूकस को भी थिक करते हैं और अपने बर्थ कंट्रोलिंग इफेक्ट को शो करते हैं। इसके साथ ही अगर किसी फीमेल को फ्रीक्वेंट अबॉर्शन या मिसकैरेजेस होते हों, तो उसके लिए भी इसे सेफली प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब अगर इसकी डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, तो आपने इसकी स्टार्टिंग डोज लो डोज से स्टार्ट करनी है और इसे प्रॉपर फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन से यूज करना है।
और इसकी डोज अकॉर्डिंग टू वेरियस कंडीशन वेरी करती है। अब अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स में हेडेक होना, नोजिया होना, वोमिटिंग होना, विर्टिगो होना, इसके साथ ही एब्डोमिनल पेन का होना और ब्रेस्ट पेन मैस्टैल्जिया का होना कॉमन है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे इस यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।